बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 8 क्लास यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ टू पॉलीनोमियल्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर। इफ वन पॉलीनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3 देन फाइंड द अदर पॉलीनोमियल। बेटा हमारे पास जो है सम ऑफ टू पॉलीनोमियल्स गिवन है, यानी दो वैल्यूज को हम ऐड करें तो वो आंसर हमारे पास मौजूद है और उसके अलावा एक वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, जबकि दूसरी वैल्यू हमने पॉलीनोमियल हमने मालूम करनी है। ये एग्जांपल यूं लें, अगर दो वैल्यूज को का सम हमारे पास 15 हो तो अगर एक वैल्यू हमारे पास 10 हो तो दूसरी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो बेटा इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दूसरी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। इसी तरह हमारे पास दो वैल्यूज का सम मौजूद है, दो पॉलीनोमियल का। मैंने लिखा सम ऑफ पॉलीनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर। वन पॉलीनोमियल, उसमें से एक जो पॉलीनोमियल हमें गिवन है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3। ये एक्स स्क्वायर के नीचे मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो माइनस 2xy है, इस जैसी टर्म मेरे पास जो है सम ऑफ टू पॉलीनोमियल में मौजूद नहीं है, ना ही ये जो है कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो ऊपर हमारे पास मौजूद है, लिहाजा हमने इसको आगे करके लिख दिया। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करते हुए हम नीचे वाली वैल्यू की अलामतें चेंज कर देते हैं। ये प्लस का साइन है तो हमने माइनस का लिख दिया, ये माइनस का है तो इसे प्लस का लिख दिया, ये प्लस का है तो इसे माइनस का लिख दिया। ये बेटा एक्स स्क्वायर जो है ये प्लस का है और ये नीचे वाला माइनस का, इसलिए कैंसिल हो गया। 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 3 जो है इसका हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सब्ट्रैक्ट 4x प्लस 6 माइनस 2x² फ्रॉम द सम ऑफ x³ प्लस x² माइनस 2x एंड 2x³ प्लस 3x माइनस 7। तो हम सबसे पहले जो है सम फाइंड करेंगे, तो सम ऑफ x³ प्लस x² माइनस 2x एंड 2x³ प्लस 3x माइनस 7 जो है इसको हम फाइंड करेंगे। तो मैंने पहले टर्म लिखी x³ प्लस x² माइनस 2x। अब मैंने ये 2x³ को ये जो x³ के नीचे लिखा, इस 3x को मैंने माइनस 2x के नीचे लिखा और ये माइनस 7 जो है इसको मैंने सेपरेट लिखा, क्योंकि इस जैसे टर्म मेरे पास जो है मौजूद नहीं थी। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो हमने सीखा था अगर साइन सेम हो तो ऐड करते हैं और वही साइन लगाते हैं। तो बेटा ये प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, तो ये दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये 3 आ गया और ये प्लस का ही हमारे पास आ गया। यूँ हमारे पास वैल्यू आ गई 3x³। ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, ये माइनस का 2 है और प्लस का 3, माइनस 2 प्लस 3। जब डिफरेंट साइन हो तो हमने कहा था बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है और बड़ी में से छोटी को माइनस करना है, तो 3 में से 2 को माइनस किया 1 आ गया और साइन जो है वो 3 का लग गया, यानी कि प्लस आ गया। यूँ हमारे पास प्लस 1 आया, लेकिन चूंकि ये हमारे पास x भी मौजूद है इसलिए इस x के साथ 1 लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है और ये माइनस 7 वैसे ही आ गया। यूँ हमारे पास सम ऑफ टू टर्म्स हमारे पास ये निकला। अब हम जो है इसमें से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसको उसने कहा था, यानी कि हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3x³ प्लस x² प्लस x माइनस 7 में से 4x प्लस 6 माइनस 2x². तो मैंने लिखा 3x³ प्लस x² प्लस x माइनस 7, जिसको सब्ट्रैक्ट करना उसे नीचे लिखेंगे वो आ गया माइनस 2x², ये लास्ट में मौजूद है लेकिन इसको मैं x² के नीचे लिखूंगा, x² वाली टर्म को x² वाली टर्म के नीचे लिखूंगा, तो ये आ गया माइनस 2x², फिर x वाली टर्म के नीचे मैं 4x लिखूंगा और ये प्लस 6 आ गया हमारे पास। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है लिहाजा हम साइन चेंज कर देंगे, ये 2 माइनस का है तो इसे हमने प्लस का लिख दिया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया। अब हमने ये 3x³ वैसे ही आ गया,
ये प्लस का वन है और ये प्लस का टू, तो प्लस वन और प्लस टू साइन सेम है, ऐड करेंगे और वही साइन लगाएंगे, तो ये आ गया 3x2। ये प्लस का वन है और ये माइनस का फोर, तो प्लस वन में से माइनस फोर करेंगे, डिफरेंट साइन है तो हम बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे और बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करेंगे, लिहाजा ये आ गया -3। तो ये आ गया -3 और ये x ऐसे नीचे आ गया। ये -7 और -6 साइन सेम है तो वही साइन लगाएंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, क्यों हमारे पास आ गया -13। तो ये हमारे पास आंसर बन गया 3x³ + 3x² - 3x - 13।